महागठबंधन और एनडीए के बीच होगा सीधा मुकाबला। लोकसभा चुनाव 2024 में होगी जबरदस्त टक्कर। समाजवादी पार्टी ने 31 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। योगी के गढ़ में भोजपुरी अभिनेत्री का होगा आमना सामना। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में 51 और समाजवादी पार्टी ने 31 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। भाजपा ने गोरखपुर से दोबारा रवि किशन को उम्मीदवार बनाया है। योगी के गढ़ में भोजपुरी अभिनेत्री भिड़ती नजर आएंगी। तो आइए आपको बताते हैं कि गोरखपुर के सियासी मंच पर रवि किशन के सामने सपा ने आखिर किस उम्मीदवार को खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद को टिकट दिया है। ऐसे में दोनों एक्ट्रेस चुनावी मैदान में एक दूसरे को टक्कर देते नजर आएंगे। अगर रवि किशन भोजपुरी फिल्म जगत के अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं तो काजल निषाद भी भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री है। साथ ही काजल निषाद का गोरखपुर ससुराल भी है। गुजरात के कच्छ में जन्मी काजल निषाद छोटे से लेकर बड़े पर्दों पर अपना जलवा बिखेर चुकी है। वो कॉमेडी शो लापतागंज के साथ भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर चुकी है। काजल निषाद की शादी गोरखपुर के भुवापार के रहने वाले संजय निषाद से हुई है। संजय निषाद भी भोजपुरी फिल्मों के फेमस निर्माता है। सपा में आने से पहले काजल निषाद ने कांग्रेस के टिकट पर साल 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गई थी। इसके बाद उन्होंने साल 2021 में सपा ज्वाइन की। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन वह फिर हार गई। अखिलेश यादव ने गोरखपुर से रवि किशन के खिलाफ काजल निषाद को उम्मीदवार घोषित किया है। जौनपुर के रहने वाले रवि किशन बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं। वो भोजपुरी फिल्मों के अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं। साल 2016 में उन्होंने बिग बॉस में हिस्सा लिया था। भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने 2014 में कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। इसके बाद उन्होंने 2017 में भाजपा ज्वाइन की। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रवि किशन ने गोरखपुर से जीत हासिल की। भाजपा ने एक बार फिर रवि किशन पर भरोसा जताया है।